हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ कच्ची हल्दी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये एक विंटर स्पेशल रेसिपी है जिसको विंटर में ज़रूर खाना चाहिए। हल्दी हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होती है। इसको किस तरह से बनाया जाता है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ 250 ग्राम कच्ची हल्दी ली है, जिसको हमने अच्छे से साफ पानी से धो लिया है और अच्छे से इसको सुखा लिया है। इसे हम ऊपर से अच्छे से छील लेंगे। छीलते टाइम अगर आपके हाथ पीले होने का डर रहता है तो आप हाथ पे हल्का सा पहले ही तेल लगा लें या फिर ग्लव्स पहन के इसको छील सकते हैं। हमने इसे अच्छे से छील कर मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे ग्रेट कर सकते हैं या इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए बाकी जो हम चीज़ें यूज़ में लेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। हमने यहाँ 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 चम्मच ही हमने यहाँ ग्रेट की हुई अदरक ली है। 1 बड़ी कटोरी हमने यहाँ दही लिया है, दही आप खट्टा या नॉर्मल ले सकते हैं। 2 हमने यहाँ हरी मिर्च ली है जिसको बारीक कट कर लिया है। 2 हमने यहाँ टमाटर लिया है जिसको बारीक कट कर लिया है, आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। 2 हमने बारीक कट किए हुए प्याज लिए हैं और 1 बड़ी कटोरी हमने यहाँ मटर लिया है। इनकी मात्रा आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हम घी डालेंगे। हमने इसके अंदर लगभग 300 ग्राम जितना घी डाला है। इस सब्जी को तेल के अंदर नहीं बनाया जाता, इसलिए आप तेल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 चम्मच जीरा डाला है। गैस को अब लो टू मीडियम ही रखें। जीरा अच्छे से चटक जाने के बाद में इसके अंदर हम लहसुन और अदरक के पेस्ट को डाल देंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे ये जलना नहीं चाहिए, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। हल्दी के अंदर हल्का सा कड़वापन होता है, हम जब घी में इसे फ्राई करते हैं अच्छे से भूनते हैं तो इसका कड़वापन निकल जाता है, इसलिए सब्जी को घी के अंदर बनाया जाता है। अगर आप घी की मात्रा थोड़ी सी कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ग्रेट की हुई हल्दी को डाल देंगे और इसे अब अच्छे से भून लेंगे। घी के अंदर हल्दी को थोड़ी देर पकाना है ताकि इसके अंदर जो कड़वापन है वो अच्छे से निकल जाए, वो अच्छे से पककर तैयार हो जाए। गैस को पूरे प्रोसेस में लो टू मीडियम ही रखना है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बीच बीच में इसे 1 से 2 बार ज़रूर चला लें ताकि ये अच्छे से पक जाए और नीचे तले में चिपके भी नहीं। इस सब्जी को बनाने में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाना है ताकि हल्दी का जो कड़वापन है वो निकल जाए और हमारी सब्जी अच्छे से टेस्टी बनकर तैयार हो। अब इसके अंदर हम बारीक कट की हुई हरी मिर्च को डाल देंगे और इसे भी हम एक बार अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हरी मिर्च थोड़ी सी पक जाने के बाद में इसके अंदर हम मटर डाल देंगे और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी घी के अंदर अच्छे से पककर सॉफ्ट हो जाए। मटर की मात्रा आप थोड़ी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर्दियों में हल्दी खाना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसके और भी बहुत सारे काफ़ी गुण होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मटर थोड़ी देर पक जाने के बाद में इसके अंदर हम बारीक कट किए हुए प्याज डालेंगे और बारीक कट किए भी इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। अगर आप टमाटर को पीस कर यूज़ में लेना चाहते हैं तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए फिर से हम पकने देंगे। सर्दियों में कच्ची हल्दी खाना बहुत ही अच्छा होता है, पर इसकी भी एक लिमिट होती है। आप इसे रोज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, पर इसे लंबे टाइम तक और ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी ना खाएं। ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। टमाटर और प्याज हल्के से भून जाने के बाद में इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। हमने यहाँ 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है। एक चम्मच इसके अंदर हमने नमक डाला है। लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इस सब्जी के अंदर धनिया पाउडर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं या फिर लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर धनिया पाउडर, टमाटर और प्याज का यूज़ ना करें, क्योंकि इन सभी से सब्जी जल्दी ख़राब होती है और आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। मसाले हमारे अच्छे से पककर तैयार हो चुके हैं। घी को अच्छे से छोड़ दिया है। एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। अगर आप हमारे चैनल की और भी बाकी रेसिपी या राजस्थानी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं।
अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। दही की मात्रा थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डालने से इसकी क्रीमीनेस बढ़ जाती है, बहुत ही टेस्टी हो जाती है और इसका कड़वापन भी अच्छे से ख़त्म हो जाता है, इसलिए आप इसे ज़रूर डालें। दही डालने के बाद में इसे लगातार चलाते रहना है वरना ये फट सकता है। अगर आप इसके अंदर काजू बादाम डालना चाहते हैं तो इसी टाइम डाल सकते हैं, पर अगर आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हो सके तो आप ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा घी के अंदर रोस्ट करके ही इसके अंदर डालें, क्योंकि उससे सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी और आपकी सब्ज़ी अच्छे से काफ़ी दिन तक टिक पाएगी। देखो हमारा दही अच्छे से पककर तैयार हो चुका है, इसने घी को छोड़ दिया है। अगर आपको इसके अंदर घी की मात्रा ज़्यादा लगे तो आप इस घी को बाद में निकाल सकते हैं, बाकी सब्जियों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो हमारी सब्जी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसी टाइम हम गैस को बंद कर देंगे। अगर लंबे टाइम तक फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, जब आपको खाने का मन हो तब आप इसे हल्का सा गर्म करके इसे खा सकते हैं। लो जी, हमारी राजस्थानी कच्ची हल्दी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और गुणों से भरपूर है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही खाइएगा। ज़्यादा मात्रा में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और जिन लोगों को बड़ी बीमारी है उनको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही इस सब्जी को खाना चाहिए। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को राम राम सा।